नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नेजल पॉलिप्स के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नेजल पॉलिप्स, नेजल यानी कि नोज यानी कि नाक, और पॉलिप्स यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होना, उसी को पॉलिप्स कहते हैं। यानी कि नाक के अंदर जो टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसी को नेजल पॉलिप्स कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। नाक के अंदर की जो परत रहती है यहाँ पे एबनॉर्मल जो ग्रोथ हो जाती है, मांस की जो मांस है बढ़ जाता है नाक के अंदर का, उसी को नेजल पॉलिप्स कहते हैं। जो कि पेनलेस यानी कि वहाँ पे दर्द नहीं होती है, पेनलेस रहता है और नॉन कैंसरस रहता है। जो कि नेजल पॉलिप्स की समस्या है वो बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू बड़ों के। बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है नेजल पॉलिप्स की समस्या, और बच्चों में यानी गर्ल्स और बॉयज़ में अगर कंपैरिजन करा जाए तो बॉयज़ में समस्या ज़्यादा देखी जाती है नेजल पॉलिप्स की कंपेयर टू गर्ल्स के। अब चलते हैं इसके कॉज की तरफ यानी कि कारण की तरफ। तो दोस्तों जो नेजल पॉलिप्स का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट इसके कुछ कारण माने जाते हैं जिनमें से पहला रहता है एलर्जी। अगर पर्सन को किसी भी तरह की एलर्जी रहती है, नोज एलर्जी रहती है, किसी स्मेल से एलर्जी रहती है, किसी फूड से एलर्जी रहती है, साइनसाइटिस की समस्या रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि किसी भी प्रकार की एलर्जी रहती है, तो उसके कारण ये समस्या देखी जा सकती है। उसके बाद होगी जेनेटिक, अगर आपके मम्मी पापा की समस्या रहती है तो आप में ये समस्या पाई जा सकती है। उसके बाद होगी इन्फेक्शन, अगर आपको नेजल इन्फेक्शन रहता है और वो लंबे समय तक रहता है तो उसके कारण भी जो है नेजल पॉलिप्स की समस्या देखी जा सकती है। तो उसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट इसके कुछ कॉज माने जाते हैं। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ यानी कि लक्षण की तरफ। की लक्षण क्या दिखाई देते हैं नेजल पॉलिप्स में? तो पहला दिखाई देता है नाक का बहना। जो नाक है नेजल पॉलिप्स के पर्सन के अंदर जो नाक है वो ड्रिप बाय ड्रिप बहता रहता है बाहर की तरफ, या कभी कभी देखा वो अंदर की तरफ यानी कि गले की तरफ भी, जो म्यूकस अंदर की तरफ भी जाता है, तो इसका ये लक्षण दिखाई देता है। दूसरा रहता है नाक का बंद हो जाना यानी कि वो नाक जो है जम जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत रहती है। जब भी रात को सोते हैं तो सांस सही से नहीं आ पाती, या फिर खराटे की समस्या देखने को मिलती है, तो ये भी इसमें एक लक्षण देखा जाता है। उसके बाद होगी गंध यानी कि कोई भी स्मेल का पता नहीं चल पाता है, यानी कि जो नाक बंद हो जाता है पॉलिप्स की समस्या है तो उसमें स्मेल से इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है चेहरे पे दबाव यानी कि प्रेशर सा महसूस होता है, जिससे कि साइनस की समस्या हो सकती है, हेडेक, सर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। नेजल पॉलिप्स के काफ़ी केसेस देखे गए हैं जिनमें कि जो पर्सन है नेजल पॉलिप्स का ऑपरेशन करवा देते हैं, यानी कि उसको सर्जरी के थ्रू उसको निकलवा देते हैं, उसको सही करवा लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ मंथ या कुछ ईयर के बाद दोबारा देखते हैं तो पॉलिप्स की समस्या दोबारा क्रिएट हो जाती है। दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की तरफ। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा। तो थूजा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है नेजल पॉलिप्स में। शरीर में कहीं पर भी ओवरग्रोथ रहती है तो उसमें जो थूजा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसको आपने 200 पोटेंसी में 3 से 4 डब्लेटली सुबह सुबह डेली एक बार लेना तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है लेमिना माइनर, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है नेजल पॉलिप्स में, और इसको हेड रेमेडी कहा जाता है क्योंकि जितने भी जो सिम्टम रहते हैं नेजल पॉलिप्स के इस मेडिसिन के साथ मैच करते, जैसे नाक का बहना, नाक का बंद होना, चेहरे पर दबाव रहना, जितने भी सिम्टम रहते हैं नेजल पॉलिप्स के इस मेडिसिन के साथ मैच करते, तो इसको आपने 30 पोटेंसी में 3 से 4 डब्लेटली सुबह दोपहर शाम को दिन में 3 बार यूज करना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है लेमिना माइनर मदर टिंचर। तो इसको आपने मदर टिंचर में भी यूज करना है तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं नेजल पॉलिप्स में। तो इसको आपने 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह दोपहर और शाम को दिन में 3 बार यूज करना है। चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है टिक्यूरियम MB, जो कि नेजल पॉलिप्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपको नेजल पॉलिप्स की समस्या रहती है और बार बार आप उंगली करते रहते हैं नाक में और आपको स्मेल बिल्कुल नहीं आती, आपकी जो स्मेल शक्ति रहती है वो खत्म हो जाती है, बार बार छींके आती रहती है, नाक बहता रहता है, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते तो उसमें टिक्यूरियम MB बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। जिसको आपने मदर टिंचर में यूज़ करना है, 15 से 20 बूंदे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। अब मैं आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताता हूँ कि इन मेडिसिन को मैं कैसे देता हूँ, कैसे प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो पहले होम्योपैथिक मेडिसिन रहते हैं थूजा 200, जिसको आपने सुबह सुबह डेली एक बार लेना है 3 से 4 डब्लेटली, जिसके 15 से 20 मिनट के बाद आपने लेनी है लेमिना माइनर 30 पोटेंसी में, जिसको कि आपने दिन में 3 बार यूज करना है 3 से 4 डब्लेटली। उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपने लेनी है लेमिना माइनर मदर टिंचर, जिसको कि आपने लेना है 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार। उसके बाद आपने लेनी है 15 से 20 मिनट के बाद टिक्यूरियम MB मदर टिंचर, इसको भी आपने 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेनी, जो कि नेजल पॉलिप्स की समस्या जो कि बच्चों में काफी देखी जाती है कॉमनली। तो बच्चों में जो डोज रहती है वो इसकी डोज की आप हाफ कर, जो मैंने आपको डोज बताई मेडिसिन की इसकी आप हाफ कर दे, आधी डोज आप बच्चों को दे सकते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं नेजल पॉलिप्स में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे रहते एक रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन उसको दबाना ना भूलें। साथ में आपको दिखाई देगा एक बेल का आइकन उसको दबाना ना भूलें, इससे जैसे मैं होम्योपैथी से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।